बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से सौ दिनों की कार्य योजना मांगी है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कार्य योजना मांगी है, सौ दिनों की कार्य योजना मांगी गई है। पीएम मोदी मंत्रियों के साथ बैठक कर निर्देश भी दिए हैं। एक हफ्ते के भीतर केंद्रीय मंत्रियों को ये रिपोर्ट भेजनी होगी। पीएम मोदी एक तरफ जहां सख्त दिखाई दे रहे हैं, वहीं मंत्रियों को कार्य योजना की रिपोर्ट भेजने की सख्त हिदायत भी दी है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कार्य योजना रिपोर्ट मांगी है। सौ दिनों की ये कार्य योजना रिपोर्ट मांगी गई है पीएम मोदी के द्वारा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां क्षतिज जालसाज को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बीजेपी पदाधिकारी बन लोगों से जालसाजी करता था। सरकारी दफ्तरों के सीयूजी नंबर पर कॉल करता था। बलिया निवासी अभिनेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। हजरतगंज पुलिस ने जालसाज अभिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है जहां रविदास जयंती का पर्व आज मनाया जाएगा। आपको बता दें कि रविदास जयंती का आज पर्व है। रविदास जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रविदास मंदिरों को सजाया गया है। आपको बता दें रविदास जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी नीरज कुमार ने जुलूस मार्गों का भी निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है जहां रविदास जयंती का आज पर्व है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त मोड में नजर आ रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, 15 मेमू ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी चल रही है। लखनऊ से कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली के लिए ये ट्रेन चलेगी। शाहजहांपुर, सीतापुर आदि रूटों पर 15 मेमो ट्रेन चलेंगी। करीब 45,000 यात्रियों को इन मेमो ट्रेन से यात्रा करने में आसानी होगी। कोरोना काल के दौरान से मेमू का संचालन बंद किया गया था। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां 15 मेमू ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लखनऊ से कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली को ये ट्रेन चलेंगी। शाहजहांपुर, सीतापुर आदि रूटों पर 15 मेमू ट्रेनें चलेंगी। करीब 45,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। कोरोना काल के दौरान से मेमू का संचालन बंद किया गया था। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां 15 मेमू ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी जोरों शोरों पर है। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, आपसी रंजिश में गोलियां चली हैं। आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोलियां चली हैं। 19 वर्षीय अंकुश पटेल को 3 गोली लगी है। बड़ी खबर जालौन से आ रही है, रील बनाने में रियल लाइफ से खिलवाड़ करते युवा नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में बंदूक लहराते एक युवक नजर आया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां रील बनाने में रियल लाइफ से युवा खिलवाड़ कैसे करते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर जालौन से आ रही है, एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में बंदूक लहराते ये युवक नजर आ रहा है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। टूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी